नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिजिक्स वाला के 4 वर्ष पूरे हुए हैं और 4 वर्ष में इस समय बम्पर छूट चल रही है और ये छूट केवल कुछ दिनों के लिए ही है। यहाँ पर यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेस चल रहे हैं उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चार गुना सेलिब्रेशन, 4 गुना प्रिपरेशन। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में आपको इन कोर्सेज में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डीपीपी, पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी का स्मृति बैच चल रहा है बीपीएससी के लिए, प्रथम 2.0 17वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन हिंदी बैच है। इसी तरीके से ऊर्जा बैच चल रहा है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। यशस्वी बैच चल रहा है बीपीएससी का, सक्षम 3.0 बैच चल रहा है, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है। और इसी तरीके से एक आक्रोश बैच चल रहा है, इसी तरीके से यूनिटी बैच चल रहा है बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और बीपीएससी के जो बैचेस हैं उसमें 76% तक की छूट दे दी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के लिए भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है, तो आप लोग जल्दी जा करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर की। आज के समाचार पत्रों में भी यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बृहस्पतिवार से पहले एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा। हालांकि एग्जाम कैलेंडर जारी करने की कोशिशें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द लोक सेवा आयोग एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा। और यहां पर लिखा है अब कि 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आयोग में चल रहा है मंथन, मुख्य परीक्षा की तिथियों पर समायोजन संभव है और निरस्त और स्थगित के साथ कई मुख्य परीक्षाओं की नई तिथियां भी घोषित होंगी। जो प्रीलिम्स वगैरह की जो परीक्षाएं स्थगित होंगी हुई थी उनकी तारीखें तो बता ही जाएंगी। इसके अलावा इन सभी भर्तियों की जो मेंस की परीक्षाएं वो भी स्थगित हो गई थी अपने आप स्वतः, और उन परीक्षाओं के बारे में भी बताया जाएगा। जो एग्जाम कैलेंडर जारी होने जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो विस्तृत एग्जाम कैलेंडर होगा, उसमें नई भर्तियां भी कुछ जुड़ेंगी, कुछ पुरानी भर्तियां भी जुड़ेंगी और बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम डेट्स वगैरह दी जाएंगी। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवा चुनाव की मतगणना के बाद 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीख तय करने से बड़ी चुनौती जून जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना है। ये देखिए, निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षाओं की तारीखों में तालमेल बैठाया जा रहा है, इसको लेकर के आयोग में मंथन चल रहा है। 1 या 2 दिन में ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। नीचे लिखा कि पेपर लीक के चलते आरओ एआरओ की 11 फरवरी को हुई निरस्त जो परीक्षा वह निरस्त हो गई है और इसके बाद 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस की परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव एपीएस और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला परीक्षा को आयोग ने स्थगित किया है। कैलेंडर के अनुसार आरओ एआरओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 5 महीने का अंतर था। अभी निरस्त की गई प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि जारी होनी है। ऐसे में स्पष्ट है कि 28 जुलाई को प्रस्तावित इसकी मुख्य परीक्षा की जो तारीख है वो अब बदलेगी। इसी तरीके से 7 जुलाई को प्रस्तावित पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा, 19 जून को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा और 9 जून को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव होना तय है। साफ है कि इन मुख्य परीक्षाओं की तारीख घोषित होने वाली प्रारंभिक तिथियों में से 2 या 3 महीने आगे जाएंगी। और वहीं पर जो जानकारी मिली है नई भर्तियों के बारे में, तो नई भर्तियों में से सबसे प्रमुख भर्ती आपकी नए कैलेंडर में हो सकती है पीसीएसजे। पीसीएसजे की जो भर्ती है वो इस बार भी रिकॉर्ड समय में पूरी होगी। को हाई कोर्ट का भी एक दबाव है और इसको 7 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करना है, जो जानकारी निकल करके आई है। लगभग 220 पदों के आसपास जो विज्ञापन है वो पीसीएसजे का वो जारी हो सकता है और जून के महीने में ही, यानी कि अगले महीने ही पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वो जारी होने की चर्चा है। लोक सेवा आयोग की तरफ से पहला विज्ञापन आपको बहुत जल्द जो है वो पीसीएसजे का हो सकता है। जानकारी तो ये मिल रही है कि इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त में ही हो सकती है, मतलब इस भर्ती को जल्द कंप्लीट करना है। और पीसीएस के जो एग्जाम आपका डिले हुआ है ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि इस पीसीएसजे को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अलावा आप लोगों को एक की वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी, एलटी की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जा सकती है परीक्षा कैलेंडर में, प्रवक्ता की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जा सकती है परीक्षा कैलेंडर में,
और जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा का जो आवेदन लिए गए हैं उसके एग्जाम डेट के बारे में भी परीक्षा कैलेंडर में जानकारी दी जा सकती है। हाँ, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे आरओ एआरओ को लेकर के कि सर पद इसमें कितने, ज़्यादा पद इसमें नहीं बने हैं, लगभग 520 के आसपास जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जो पद हैं वो हो सकते हैं, 520-22 के आसपास जो टोटल पद हैं आरओ एआरओ के वो हो सकते हैं। 411 पदों पर विज्ञापन निकला था। वहीं पर आज ही के समाचार पत्रों में ये भी जानकारी दी गई है कि सचिवालय के कई अनुभाग अधिकारी व अनुसचिव पदोन्नत किए गए हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर सहायकों के पदोन्नत की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो कंप्यूटर सहायक होते हैं इसकी भी सीधी भर्ती आती है और लोक सेवा आयोग से 3-4 साल पहले ये वैकेंसी आई भी थी। और इसका जो प्रमोशन है वो एआरओ पद पर होता है, एआरओ का प्रमोशन आरओ के पद पर होता है और उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है कि सचिवालय प्रशासन ने कंप्यूटर सहायकों से सहायक समीक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत सभी अनुभाग अधिकारियों व अधिष्ठान अनुभाग से वर्ष 2024-25 में समीक्षा अधिकारी के पदोन्नति कोटे के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। गर्मी से रिकॉर्ड 166 मौतें, बिजली पर बवाल, पारा बना रहा है रिकॉर्ड, प्रदेश भर में बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा। लिखा है कि प्रदेश भर में गर्मी अब जानलेवा हो रही है, लगातार रिकॉर्ड बनाते पारे और लू लपटने नौतपा के छठे दिन बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 166 लोगों की जान ले ली है। 48 डिग्री के साथ बुलंदशहर सबसे गर्म जिला रहा, दिन तो दिन रातें भी खूब गर्माने लगी हैं और यहां पर टेम्परेचर भी दिया हुआ जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। प्रयागराज का टेम्परेचर 47.7 डिग्री था। अब 1 जुलाई से लागू होगी रेलवे की नई समय सारणी, रेलवे की नई समय सारणी अब अक्टूबर के बजाय 1 जुलाई से ही लागू होगी। उत्तर मध्य रेलवे समेत तमाम जोनल रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बीते कुछ वर्षों के दौरान यह अगस्त या सितंबर से अक्टूबर से लागू होती थी। इसके पूर्व 2014 में समय सारणी जुलाई में लागू हुई थी और इस बार इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। लिखा है कि प्रयागराज जंक्शन कानपुर आगरा कैंट झांसी प्रयागराज चिवकी मथुरा ग्वालियर अलीगढ़ आने वाली तमाम ट्रेनों के समय में 5 से 30 मिनट तक का अंतर देखने को मिल सकता है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होना है उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 51 जनपदों में 470 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होगी। इसमें 2,23,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केपी ट्रेनिंग कॉलेज में भी अब होगी वाणिज्य में बीएड की पढ़ाई। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सत्र 2024-25 से वाणिज्य स्ट्रीम में बीएड कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान में प्रायस्नातक पीजी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बृहस्पतिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों से बीएड होता है, एक साथ ही इनकी परीक्षा होती है, एक साथ ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं आपको बता देता हूं, एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय में बीएड की 124 सीटें हैं और केपी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 62 सीटें हैं केवल। एसएस खन्ना में कला विज्ञान वाणिज्य तीनों स्ट्रीम में बीएड की पढ़ाई होती है जबकि केपी प्रशिक्षण महाविद्यालय में वाणिज्य स्ट्रीम में बीएड का पाठ्यक्रम नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग से एक और भर्ती है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती है। 312 पद हैं। 13 जून इसकी लास्ट डेट है। आप लोग जाकर के वेबसाइट में विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी से भर्ती है टीजीटी कला शिक्षक की, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। 22 जून की पहले आवेदन करना है। एसएससी जेई भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 5 से 7 जून के बीच में होगी सीबीटी परीक्षा। संजय गांधी पीजीआई में डॉक्टरों व कर्मियों के 1152 पद और यहाँ पर होगी भर्ती। लिखा है संजय गांधी पीजीआई में डॉक्टरों व अन्य कर्मियों के 1152 नए पदों का सृजन किया गया है और यहां 2272 बिड मानकों के अनुसार कुल 1864 शैक्षिक व गैर शैक्षिक पद सृजित होने चाहिए लेकिन 712 पद ही सृजित हैं। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए पदों का सृजन कर इस चिकित्सा संस्थान को बड़ी राहत दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे जल्द शुरू की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने अग्निवीर भर्ती का परिणाम न देखा हो लेकिन परीक्षा का तो परिणाम भी देख लें, परिणाम जारी कर दिया गया है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।